जो बातें आपके दिल में होती है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर ऐसा वक्त आ जाता है कि कोई बंदा आके तो पीछे पड़ जाते हैं कि दुआ करे। और मैंने वो जो बात वाक्य बयान करने लगा रहा था कि बच्चों ने उन्होंने जब कहा तो बच्चों ने कहा कि फिर पाठ कर आया किस वास्ते आपके पास आए आता है इधर आता है आपके आगे अर्ज किस लिए की है। उन्होंने हाथ उठाए और फिर वो जो मैं बात करने लगा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फिर ऐसा वक्त आता है कि अल्लाह का बंदा खालस उसी को पुकारता रहा उसकी खालस इबादत करता रहा दुनियावी गराज के लिए नहीं उसे पाने के लिए उसकी मोहब्बत के में डूब कर। आप फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मांग लेता है मैंने लिखा हुआ नहीं होता। अब उस बंदे पे मुझे अपने इतनी गैरत होती है मुझे अपने उस बंदे पे इतनी गैरत होती है कि मैं क्या करता हूँ इशारा करता हूँ मेरा लिखा मिट जाता है और जो मेरे बंदे ने कहा होता है वो सब और कि ये लम्हात है इन लम्हात से आप जो मुकाम भी हासिल कर सकते हो और अपने आप को रसवा भी कर सकते हो। यही बंदा होता है वही दो समझे ना दो हाथी होंगे दो अखा होंगे दो बाजू होंगे बंदा तो वही होता है। आपके माशरे में तो अक्सर नजर आते हैं बाहर और नालियाँ के किनारे पे पता ही कोई नहीं रोड से गुजरे नाफरमानी में मुबतला होकर नशे करके। लेकिन ये नशा जो है ना ये नशा खुदा नहीं कर सकता ये नशा बंदे को ऐसा मुकाम पे पहुँचा देता है इतनी राहत देता है इतना सुकून देता है कुरान के पुराने के लिए इबादत खालिस इबादत पुराने नवाफर ये बंदे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। बंदा वही होता है जो नाली के किनारे पड़ा होता है और बंदा यही होता है अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं मुझे उसकी बात पे लाज होती है मुझे याद है मेरे शेख के काम मेरे खूबसूरत दोस्त थे अब्दुल हफीज साहब हर जुमा दरबार शरीफ पढ़ते थे उकाड़े में रहते थे उकाड़े से उन्होंने हर जुमा आना दरबार शरीफ में पढ़ना रात को चले जाना। दरबार शरीफ आते ही उनका एक्सीडेंट हुआ इंतकाल हो गया केवल आलम रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में थे आपने उसी वक्त मुझे कहा गाड़ी लेके आया मैं गाड़ी लेके आया आप सीधे निकले उकाड़े के लिए उकाड़े पहुँचे आप खड़े थे उसको देख रहे थे अब्दुल हफीज को देखते रहे अजीब कैफियात थी आपको आखिर आपकी ज़ुबान से निकला मेरे पीर मुर्शिद की ज़ुबान से कि दिल तो करता है प्लीज तुझे खड़ा कर दूँ लेकिन जिस तू मकाम पे तू पहुँच गया उधर से वापस आ दे Allah!
Thank you.